हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम लोग को एडवांस ऑर्डर मिल चुका है एंड हम लोग अपना यहाँ पे नाम लिख कर साइनिंग करते हैं एंड चलते हैं, देखते हैं गेम में कैसा इंटरफेस है, क्या क्या नया चीज़ आया है, क्या क्या चेंजिंग हुआ है, क्या क्या नहीं, सब दिखाएंगे आप लोग को इस वीडियो में। वीडियो के पास एंड तक देखते रहे एंड वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो हम लोग का कुछ गेम का इंटरफेस इस तरीके से है एडवांस सर्वर का एंड हम लोग कभी गेम लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का कैप्चर कोड मिला था वो डाल देते हैं एंड चलते हैं सीधा गेम के लॉबी में। तो अभी हम लोग लॉबी में जाने वाले हैं एंड ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा गेम का लॉबी है एंड तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को 20 कस्टम एंड लेवल पास का बहुत सारे टोकन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्लेम करते हैं एंड हम लोग का हो चुका है सिर्फ 16 लेवल का आईडी होते हो चुका है एंड यहाँ पे इतने सारे करेक्टर दे रहे थे, इसमें से हम लोग को कुछ नहीं लेना है। बढ़ते इससे आगे एंड देखते हैं और क्या क्या गेम है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा डायमंड क्लेम करने के लिए दे रहा है, तो चलो फटाफट से डायमंड क्लेम करते हैं एंड यहाँ पे इतना सारा डायमंड, भाई क्या बात है। तो ये सब हम लोग फटाफट से क्लेम करते हैं, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो आ जाओ भाई, यहाँ पर तो कुछ नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। हम लोग देख ये गिल्ड है कुछ इस तरीके से, जो गिल्ड है एंड चलो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हम अपना। तो गाइस, हम लोग अब स्टोर में आ चुके हैं एंड देख सकते हो यहाँ पे कुछ ये मिल रहा है हम लोग का, एक डायमंड में रोज़ वाला इमोट मिल रहा है एंड यहाँ पे न्यू करेक्टर देख लेते हैं हम लोग का कौन सा न्यू करेक्टर होने वाला है। तो ये हमारा न्यू करेक्टर जो स्पाइडरमैन के थीम पे बनाया गया है एंड इसको करते हैं हम लोग क्लेम एंड चल। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब एक डायमंड में करेक्टर मिल रहा है एंड यहाँ पे इतना पहले वाला ही करेक्टर है, ये गन क्रेट है, यहाँ पे टोकन है कस्टम का दिए, यहाँ पे मैजिक क्यूब में तो अभी तक कोई न्यू बंडल ऐड नहीं किया हमारे जहाँ तक लग रहा है एंड यहाँ पे गन का ये इमोट है। तो चलो फटाफट से ये इमोट खरीदते हैं। तो यहाँ पे एक एक डायमंड का इमोट मिल रहा है, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा अच्छा इमोट मिल रहा है एंड चलो भाई ये कोबरा वाला इमोट है, चलो फटाफट से लेते हैं सबको एंड देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पे हम लोग का है ग्रुप एंट्री इमोट कुछ इस तरीके से है, जब हम लोग दोस्तों के पास आते हैं ग्रुप में तो इस तरह से हॉर्स पे आ सकते हैं। ये तो वही कोबरा का ही है एंड दूसरा वाला ये भी काफ़ी अच्छा है, तो मेरे पास भी है मेरा रियल लाइफ में एंड ये वाला तो मेरे पास नहीं, हम नहीं निकाले थे तो इसको भी ले लेते हैं। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या है, और आप लोग भी देख सकते हो कुछ काफ़ी अच्छा अच्छा देता है भाई। ये हॉर्स का स्कीम भी एक डायमंड में मिल रहा है भाई, आप लोग को पता ही होगा लोकेश भाई इसको निकालने के लिए अपना पीसी तक के तोड़ दिए थे भाई, और हम लोग को यहाँ पे एक डायमंड में मिल रहा है। यहाँ बैक पैक का काफ़ी अच्छा स्कीम है, लूट पॉप तो नहीं लेंगे, पैरासूट नहीं लेना है, यहाँ पे गाड़ी का स्कीम कुछ मेरे को उतना खास नहीं लगा, यहाँ पे अवतार है तो यहाँ पे नहीं लेंगे, फेनर एक ये ले लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है तो चलो इसको ले लेते हैं एंड ये तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लेंगे ये। और क्या है भाई देखते हैं, और तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिख रहा है, ये कन का है दिख रहा है, ये ग्लू सब का स्कीम है, चलो ग्लू की स्कीम लेते हैं सबसे पहले तो इसको लेंगे, ये हमको काफ़ी अच्छा लगता है तो इसको ले लिया एंड और ग्लू सब का स्कीम है सबको फटाफट से खरीद लेते हैं। तो ये सब ग्लू का स्कीम हम लोग खरीद लिए हैं, यहाँ पे तीन ग्लू का स्कीम खरीदे अभी तक और ये दो को उतना खास नहीं है तो हम लोग तो नहीं लेने वाले एंड यहाँ पे पेट का स्कीम है, तो यहाँ पे हम पेट तो नया कोई ऐड नहीं किया, पहले फाल को ले लेते हैं क्योंकि भाई अगर मैच खेले तो सबसे पहले लैंडिंग करने के लिए तो फाल को चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग फाल को पेट ले चुके हैं एंड यहाँ पे तो उतना हमको कुछ खास पेट नहीं लगा तो हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हो भाई आप लोग ये रोज़ वाला इमोट का ही है वो सब। तो भाई यहाँ पे आया है एक इवेंट, चलो इसमें भी हम लोग यहाँ जितना कुछ होगा भाई सब का सब लेने वाले, तो हम लोग को 80% का डिस्काउंट मिला, पहले तो ये बंडल ले लेंगे एंड
चलो फिर से स्पिन करते हैं, आप कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलता है। तो 90% का डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पर यूज करके एंड ये पैंट का स्कीम ले लेंगे। उसके बाद में फिर से स्पिन करते हैं और हम लोग का 75% का डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, ये बंडल अच्छा लग रहा है ये ले लेते हैं। एंड यहाँ पे फटाफट स्पिन करते हैं, फटाफट लेते हैं बंडल। यहाँ पे ये बंडल मेरे को अच्छा लगा, ये भी ले लेते हैं। और क्या है, जल्दी जल्दी आ जा भाई। यहाँ पे 60% का मिला, तो यहाँ पे ये बंडल मेरे को अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेते हैं। चलो और यहाँ पे 50% का मिला, तो ये किया। और ये बाइक का स्कीम अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेते हैं। एंड फिर से स्पिन और मिला 55 का, तो यहाँ पे एक बार करते हैं स्विच। और फिर ये शॉट अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेते हैं। और ये 9 डायमंड में लेने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, तो उतना खास नहीं लग रहा है मेरे को। एक बार देख लेते हैं इधर क्या क्या है। और चलो तो देखते हैं इधर अंदर में क्या क्या है पूरा, तो उसके बाद में ही कुछ लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो सब कुछ ले लिया है भाई, इधर तक तो उतना खास नहीं लग रहा है। ये इमोट कैसा है ये देख लेते हैं एक बार। तो भाई ये इमोट मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, चलो इमोट मंगा कर और लेते हैं इमोट को। तो ये इमोट हम अभी लेने वाले हैं, तो ये इमोट हम लोग को 9 डायमंड में मिल गया है। तो यहाँ पे हम लोग का हो चुका है पूरे 4 इमोट, जो देख सकते हो ये पैसे लुटाने वाला इमोट है। एंड यहाँ पे हम लोग का कलेक्शन बंडल जो हम लिए थे, ये इमोट एंड ये हमारा हॉर्स वाला सही है, ये रहने देते हैं। ये इमोट हो गया हम लोग का 4 अभी। एंड ये रोज़ वाला इमोट भाई मेरा तो फेवरेट इमोट है, आप लोग कमेंट में बताओ किस किस का फेवरेट ही है और किस किस के आईडी में अभी तक ये इमोट है। एंड ये करेक्टर का इधर से तो कुछ नहीं लेने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे पेड़ देख लेते हैं, नया कोई होगा तो लेंगे, नहीं तो पांडा लेंगे, हमारा फेवरेट पेट पांडा। तो भाई कुछ नया तो नहीं है, तो चलो हम लोग यहाँ पे पांडा खरीद लेते हैं 1 डायमंड से। चलते हैं आगे के साइड। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले ट्रेनिंग ग्राउंड में, देखते हैं क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो भाई अभी हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं, यहाँ से हम लोग लेते हैं अभी गन। तो यहाँ पे हम तो गन देख एक समेट लेंगे एंड एक रोड पे कर ले लिए, और चलो फाइट कर देखते हैं। और भाई ये करेक्टर स्किल जो न्यू आया वो भी दिखा देंगे कि इसका क्या। भाई ये क्या था भाई, ये पहला हेडशॉट यहाँ पे हमको पड़ा, हेडशॉट भाई ये क्या है, ये तो भाई मारे ही जा रहा है भाई। हैकर आ चुका है भाई, एडवांस सर्वर में भी हैकर। ओ भाई साहब एक बार फिर से मरते हैं, देखते हैं हैकर को। तो भाई आप लोग देख सकते हो एडवांस सर्वर ट्रेनिंग ग्राउंड में हैकर भी आता है भाई। ये तो सिर्फ गन स्विच कर रहा है एंड बंदे की काम तमाम, देख सकते हो। और ये देखो हमारे न्यू करेक्टर स्किल का, आप लोग जब ये करेक्टर स्किल करेंगे तो हमारे सामने वाला एनमी वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा दौड़ नहीं पाएगा एंड उसको 10-10 का डैमेज पड़ता रहेगा। भाई इसका तो कुछ अलग ही लेवल चल रहा है, किल पे किल किया जा रहा है भाई, 92 किल हो चुका है इसका। एंड तो यहाँ पे हम लोग करेक्टर डाला है और देखो ये हमारा करेक्टर स्किल किसको पकड़ता है, किसी को तो पकड़ेगा भाई, वो तो पकड़ लेगा तो डैमेज आएगा। यहाँ पे हम लोग का 1 किल और मिला, हम लोग का 2 किल हो चुका है। एंड यहाँ पे हम लोग को मार दिया। और भाई देख सकते हो कुछ करेक्टर स्किल हमारा इस तरह से पकड़ेगा तो भाई डैमेज पड़ता रहेगा। एंड यहाँ पे भाई फिर से मेरे को मार दिया भाई, पता नहीं कौन भाई, पर गेम में तो एक आ रहा है तो कंफर्म भाई कहीं से तो मरना ही पड़ेगा ना भाई, हैकर भी आता है गेम में भाई साहब। यहाँ पे हम लोग हेडशॉट ट्राई करते इसको, और हेडशॉट नहीं लगा और यहाँ पे हम लोग को हेडशॉट दे दिया। एंड तो गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड में तो अभी तक कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, जो है यही है। और ये देखो करेक्टर स्किल इस तरह से पकड़ेगा एंड हम लोग भाग भी ज़्यादा स्पीड में नहीं सक ज़्यादा स्पीड में भाग भी नहीं सकते हैं। एंड ऐसा भाई ये है कर तो कुछ अखंड लेवल ही कर रहा है, 99+ किल कर लिया भाई। तो चलो भाई है कर का गेम प्ले ख़त्म, हम लोग चलते हैं, निकलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड से और हम लोग चलते हैं दूसरे वाला ट्रेनिंग
यहाँ पे चलते हम लोग, देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। एंड चलो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो भाई यहाँ पे तो उतना खास कुछ मेरे को नहीं लगा, क्योंकि सब पहले ही जैसा है, हम लोग करेक्टर स्किल फेंक गया, यहाँ तक गया हम लोग का करेक्टर स्किल और रुक गया। ये सामने वाला बंदा भाई वहाँ पे गया, एंड ये करेक्टर स्किल क्या करता है इसको देखते हैं भाई, ब्लास्ट हो गया यहाँ पे तो। एंड ये ट्रेनिंग ग्राउंड में चेंजिंग नहीं है, तो हम लोग चलते निकलते हैं यहाँ से ट्रेनिंग ग्राउंड से। सब पहले वाला जैसा ही है, आप लोग देख सकते हो जो पहले था वैसा ही है, तो कुछ तो चेंजिंग नहीं हुआ है, तो कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। यहाँ पे सब अपना भाई अपने अपने धुन में लगे हैं। एंड भाई एक बात नोटिस की है, जब वो माइक खोल के बोल रहा होगा उधर से शो करेगा कौन बंदा कहाँ से माइक से बोल रहा है। तो हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड से आ गए, आज के इतना ही, तब तक लिए बाय।